सर आखिर वो घड़ी आ गई, वो बेला आ गई कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, और जो आपके जो हमारे जगत गुरु थे स्वरूपानंद सरस्वती, उन्होंने तो लंबे समय तक इसके लिए लड़ाई भी लड़ी। हमारे गुरुदेव जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने इसके लिए बहुत लड़ाई लड़ी है, आंदोलन भी किए, और एक बार अयोध्या जा रहे थे कार्यक्रम करने के लिए, आजमगढ़ में गिरफ्तार कर लिया गया उनको, और चिनार के किले को जेल बना करके 8 दिन तक उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने उनको वहाँ रखा। तो इसमें बहुत लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, 400-500 साल का इतिहास है, इसमें बहुत लोगों का बलिदान हुआ है। सभी आचार्यों की, शंकराचार्यों की और भी संप्रदाय के जो आचार्य हैं, सभी लोग यह चाहते थे, चाहते हैं कि परमात्मा श्री राम राम जन्मभूमि में जो विधर्मियों के द्वारा जो स्थल खंडित कर दिया गया था, जैसे हमने न्यायालय से पुनः प्राप्त किया है, उस पर भव्य मंदिर का निर्माण हो और वहाँ परमात्मा श्री राम कौशल्या की गोद में शिशु के रूप में, बालक के रूप में विद्यमान हो, कि जे शिशु लीला अति प्रिय शीला, कौशल्या माता ने कहा। परमात्मा श्री राम का जब अवतार हुआ, जब वो प्रकट हुए तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, आभूषण धारण करके प्रकट हुए। माता कौशल्या ने कहा कि प्रभो, इस तरह से तो किसी बालक का जन्म नहीं होता है। हमने भगवान के लिए प्रार्थना नहीं की थी, हमारे पतिदेव महाराज दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, सो आप पुत्र के रूप में आइए।